मैं हरिंदर सिंह लखवाल, जनरल सैकटरी भारतीय किसान यूनियन पंजाब। पिछले 50 सालों तो साड़ी जथेबंदी जिहड़ी आ किसानां दे संघर्ष लई काम कर रही आ। बड़े बड़े वड्डे संघर्ष गए ने, जिहड़ा हुण संयुक्त मोर्चा संघर्ष आ उहदे विच वी असीं शुरू तों ही लैके जद इह कानून बणाए गए ने उदों तों ही असीं इहदी विरोधता करदे आ रहे आ। पहलां असीं डीसीआं नूं मंग पत्र दित्ते, फिर असीं राजपाल जी नूं मंग पत्र दित्ता गया, फिर असीं गवर्नर साहब नूं मंग पत्र दित्ते, सीएम साहब नूं मंग पत्र दित्ते, प्रधानमंत्री जी नूं मंग पत्र दित्ते। उस तों बाद असीं जिहड़ियां ने गड्डियां भी रोकियां, सड़की आवाजाई रोकी, ट्रेनां रोकियां गईयां, पंजाब दे विच लंबे समें तों सारियां जथेबंदियां इकट्ठियां कीतियां गईयां। पहलां 6 जथेबंदियां, फिर 9, 13, 21, फिर 32 जथेबंदियां दा असीं समूह बना के अज 40 जथेबंदियां जिहड़ियां ने सारे इंडिया दे विचों उन्हां दा बना के असीं इह संघर्ष लड़दे आ रहे हां। असीं 26 तरीक नूं जिहड़ा पंजाब तों तुरे सीगे, मेरी ड्यूटी जिहड़ी सीगी चंडीगढ़ जिहड़ा हाईवे आ चंडीगढ़ अंबाला हाईवे उत्थों लगी सी, ते 600-700 ट्राली लै के मैं उत्थों असीं बॉर्डर पार करके हरियाणे वल नूं असीं वधे सी। 26 तरीक नूं असीं दिल्ली दे विच आ गए सीगे, उदों तों ही असीं इत्थें बैठे हाँ। हरियाणे ने भावें रोकण दीआं कोशिशां कीतीआं, बड़े सारे ते बंदशां लाईआं, पर असीं बेपरवाह हो के सारियां नाके भन्नदे हुए दिल्ली आ के बैठ गए हाँ। उदों तों असीं इत्थे बैठ के जिहड़ा पूर्ण शांतमई जिहड़ा साडा संघर्ष चल रिहा, जिन्नियां भी मीटिंगां सरकार ने सदियां गईयां उहनां 'च मैं हाजर भी हुंदा रिहा, सारियां मीटिंगां दा हिस्सा भी असीं जथेबंदियां दे नाल बण रहे हाँ। जिहड़े काले कानून ने, पहलां तां सरकार इही कही गई आ, सानूं समझाउण दी कोशिश कीती गई आ, रोज़ सानूं फोन भी इहनां दे वड्डे वड्डे लीडरां दा भी आउंदे रहे ने, बड़े पंजाब दे हित दे विच ने इह कानून, तुसीं मन जाओ इहनां नूं लागू हो लैण दो। पर साडे बार बार साडे किसान लीडरां दे समझाउण दे नाल, क्योंकि असीं कहिंदे आ वी जिथे हुण इह जिहड़ा कानून बणाए आ, जे हुण कहिंदे प्राइवेट मंडी कर दांगे, APMC खत्म कर देवांगे, उह किवें चल सकदा जे दो मंडियां ने, तां इक मंडी दे विच तां टैक्स हैगा 8.5% टैक्स आ, 3% RDF, 3% जिहड़ी आ मार्केट फीस, 2.5% जिहड़ी आड़त आ, ते इक मंडी पैरलल उहदे बराबर तुसीं खड़ी कर देवो जिथे कोई टैक्स ही नहीं होगा, तां उह किसानां नूं 10-20 रुपये 50 रुपये भी वध दे के साल 6 महीने सारी फसल आप लै जाणगे, साडा जिहड़ा टैक्स आ सारा टैक्स खत्म होजू। जिन्ने साडे आड़ती आ 25,000 पंजाब 38,000 लख, उहनां दे नाल मुलाजम जुड़िया होया, पल्लेदार जुड़े हुए ने, ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए ने, सारे उह वेहले हो जाणगे। जिवें जियो दे सिम ने भी इवें कीता सी, साल सानूं फ्री दित्ता सी, उस तों बाद जिहड़ा साडियां सारियां कंपनियां जिवें BSNL मार दित्ती, इह सेम गल सीगी वी साडियां मंडियां इह खत्म करनियां चाहुंदे सी इह कानून दे विच। दूसरा सी भंडारण दी समर्था, वी जो तुसीं मर्जी जिन्ना मर्जी भंडार कर लो, जिन्ना मर्जी जमा कर लो, किसान को कितने जमा करने की गल होंदी है, किसान तो आड़तियां दे जां शाहूकारां दे रहमो करम ते उहने तां जिन्नी की उहदी फसल हुंदी आ उहने पहले ही वह पैसे जिहड़े आ लै लए हुंदे आ। इह भंडार की समर्था भी जिहड़ी आ, इह अंडानियां अंबानियां ने पहले ही इन्ने गडाउन इन्ने सैलोज इत्थे बना लए सी वी असीं इत्थे भंडारण कर लवांगे। कई मेरे वीरां नूं इहदे वल वी स्पष्ट होना पऊ वी आपां नूं की फर्क पैंदा अपनी फसल लै के, जे इह अंडानी जां अंबानी भंडारण कर लैणगे तां की फर्क पैंदा, इह 'च बड़ा वड्डा फर्क आ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਆ, ਕਣਕ ਵੀ ਸਸਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਚੌਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹੀ 800-900 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੇਚਣਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ 18 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਆ, 15 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਆ, 70-80 ਰੁਪਏ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਪਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵਾਧੂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਫਸਲ ਫਿਰ ਜੇ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਦਾਣਾ ਮਾੜਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ही लुट लिया कर दी। असं जिमें गन्ना मिलों ने असी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, वो असी कहते हैं भी 1000 क्विंटल गन्ना बेचा, वो साढ़े एक एग्रीमेंट करते 85% सानू सप्लाई करना पैंदा, जे असी 85% सप्लाई नहीं करते तो साढ़े ते पेनल्टी लगती है। पर गवर्नमेंट सानू साल साल हो गया गन्ना बेचे नू, सानू पैसे नहीं मिल रहे गन्ने दे, पर उन्हां दी एक शर्त हुंदी है कॉन्ट्रैक्ट दे विच भी 14 दिनों दे विच पेमेंट मिलनी चाहिए है, पर असी केस करके भी हंभ गए कोई सानू पैसे नहीं मिलते। फिर ये कहते इन्हों के कानून च सी भी तुसी SDM जां DC तक जा सकते हो, तुसी अगे अदालत च केस नहीं कर सकते। SDM DC तो इन्हां दे बंदे आ, अज दी ओह गल आ, अज पंजाब च एक दो SDM DC ने कहता भी तुसी जिहड़े किसान जथेबंदियां ने इन्हां नूं तुसी टेंट नहीं दे सकते। SDM ने फरमान जारी किया टेंटां वालियां नूं, ये तो इन्हां सरकारां दे बंदे आ, इन्हां दी बोली इन्हां ने बोलनी आ, ये सानूं किवें न्याय दे सकते आ, सानूं इन्हां ते भी जिहड़ा कोई भरोसा नहीं हैगा SDM जिहड़ा DC दे उपर। फिर ये कहिंदे भी पैन कार्ड, कोई भी बंदा पैन कार्ड होल्डर जां आधार कार्ड होल्डर जिन्नी मर्जी तुहाडी फसल खरीद सकदा, वो किवें हो सकता, क्योंकि कारपोरेट घराना कोई बॉम्बे बैठा हो, कोई कोई लंडन बैठा हो, वो आऊगा मुंडे रखे होणगे उन्होंने साडे पिंडां दे विचों ही, वो साडी सारी फसल खरीद लैणगे, सानूं एक स्लिप दे जाणगे, ते असीं उह कित्थों बंदिआं नूं लब्भांगे, कित्थों फड़ांगे जाके, जद सरकार दिआं बैंकां दा पैसा लै के लोक बाहरले देशां नूं भज गए ते उन्हां दा पैसा तां इह वापस सरकारां तां करा नहीं सकीआं। एक किसान किवें केस लड़ लू ते किवें उह आपदा पैसा जिहड़ा बाहरों मंगवा लू, इसलिए ये साढ़े जिहड़े कानून ने यह माड़े आ। उदू बाद गल आ जाती है भी जिवें हुण इन्हां ने बिहार के 2006 के APMC मंडियां खत्म करतीआं सी, तुसीं उत्थे दा हालात देख लो, बिहार के हालात देख लो, पर कैप्टिवा इनकम उत्थे 7500 रुपया, इत्थे 21000, उत्थे वाला जिहड़ा 5-7 किले वाला किसान आ उह पंजाब दे विच मजदूरी करन आउंदा, जिहड़ा साडा 5-4 किले वाला किसान आ उह थोड़ी जिही चंगी रोटी भी खांदा। ते किथे असीं मोर्चा लगाया सी जद सरकार बणी आ, उस तो पहलां दी मैं गल भी चल जावां डॉक्टर मनमोहन सिंह वेले दी भी, असीं उदों भी 1000 ट्राली लै के, अज तो 15-16 साल पहलां जद स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट बनी आ, असीं तुरे सी चंडीगढ़, असीं रोके सीगे क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री ने सानूं गलबात लई सद लिया सी, उदों गलबात करके उन्होंने एक कमेटी बनाती सी स्वामीनाथन की, उन्होंने 6 साल तक कमेटी उन्होंने दबी रखी। उदू बाद फिर असीं एजीटेशन की जंतर मंत्र से, तो सानूं राजनाथ सिंह जी साडी स्टेज पर आके बोले भी साडी सरकार बना दो, असीं आउंदे सार तुहानूं स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट लागू कर देवांगे, असीं वोटां पाते पा दीआं इन्हां दी सरकार असीं बनाती। उदू बाद इन्होंने एफीडेविट देता गा उहदे विच सुप्रीम कोर्ट च भी, इह तां उथल पुथल हो जू जी असीं सुप्रीम इह लागू कर दित्ती। स्वामीनाथन कमिशन के मुताबिक C2+50 जिहदे नाल साडा कणक का रेट 37-3800 रुपए क्विंटल बनता, सानूं अज मिल रहा 1950 रुपए क्विंटल, जे कानून लागू हो जाते हैं तो यह मिलेगा 900 रुपए क्विंटल। असं कहने भी जो मॉडल तुम इतने लागू करना चाहते हो पंजाब हरियाणा से अद्धी यूपी च सारे जी सारे संसार दंडिया के मंडिया साढ़े को हरियाणे के वधिया कि भी बाहरले देशों भी यह जी मंडिया नहीं है, तुम बिहार च कर लो, गुजरात च कर लो, जो सूबे इनू परखना चाहते हो, तो पर पंजाब तुम क्यों सुट्टदे हो, क्योंकि असी इन्ने पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से मंडिया से लाए ने आपदा कढ कढ के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बाकी सूबे ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया, तुसी उहदे नाल साडी तुलना ना करो। फिर सानू कहा जांदा जिवें बड़ी वड्डी गल सी क्योंकि पंजाब मोहरी सूबा, पंजाब ने हमेशा हरेक जिहड़े संघर्ष की अगवाई की आ, भावें 1906 का संघर्ष से जिहड़े साडे बजुर्गों ने लड़िया, भगत सिंह जी दे चाचा जी अजीत सिंह ने लड़िया, 9 महीने सानू संघर्ष लड़ना पिया सी, उहदे लई वी साडियां इह जमीनां कारपोरेट घराणे खोहण लगे सी, जां सरकारां अंग्रेज गवर्नमेंट खोहण लगी सी, उह वी असीं 9 महीने लड़िया सी, ते इह संघर्ष वी असीं जिहड़ा पंजाब मोहरी हो के लड़ रहे आ, साडा छोटा वीर हरियाणा वी साडे नाल आ गया, जे यूपी ने वी बॉर्डर बंद कीते होए ने, इस तरह असीं सारे इह बॉर्डर जिहड़े ने जाम करते, राजस्थान का बॉर्डर भी जाम करता, ते साडे नाल जिहड़े किसान ने बच्चियां तों लै के बीबियां हर वर्ग का जिहड़ा लोग हर तरह की सहायता NRI वीर की सहायता सानू मिल रही आ, ते असीं इह संघर्ष नूं लम्मा चौड़ा करके होर वधा रहे हां, ते सरकार ते सानू फिर अज भी चिट्ठी आई आ बई तुसीं गल्लबात कर सकते हो, कोई टाइम दो, इह सरकार की नीयत खराब आ, क्योंकि जिवें हुण प्रधानमंत्री ला लो
एक पास साढ़े नाल यह गल्लां करन लई तोमर जी चिट्ठी लिखते हैं, इन्हां दे मंत्री सानूं चिट्ठी लिखते हैं भी आ जाओ तुहाडियां असीं मंगां ते विचार करके हल करन नूं तैयार हाँ, कानून वापस ना करवाओ ते इन्हां च सोध करवा लो। ते परसों प्रधानमंत्री यह कही जांदा इह जे तां कानून ही नहीं हैगे, इह तां लोक बड़े खुश ने, इह तां किसान बड़े खुश ने। ते अज ही आपदियां टीमां अज हंसराज जी दा पढ़ो, उन्हां नूं भेजिआ होइआ पिंडां जिन्हां ने लोकां नूं समझाउण ते सानूं समझाउंदे तुरे फिरदे आ। ते इक प्रधानमंत्री जी नूं मैं वी गल कहूंगा, वो होर स्टेटां दे विच पिछे परसों गुजरात दे विच कच्छ दे विच किसानां नूं सिख किसानां नूं खास करके बिठा के उन्हां नाल मीटिंगां कर रहे ने, MP दे विच मीटिंगां कर रहे ने कि आ किसान नहीं दिसदे, इन्हां दे घर तों 35 किलोमीटर दूर बैठे हां असीं, लखां किसान बैठा इन्हां नाल मीटिंगां नहीं कर सकते, एडे दूरे किसान लभदे तुरे फिरदे ने। चंगी गल आ गुरद्वारा साहब कल इन्हां ने मत्था टेकिया रकाबगंज साहब, असीं तां समझदे सी वी कुछ इन्हां दे अकल पै जू महाराज वल्लों कुछ हो जू, इन्हां नूं मत्था टेक के सीधा इत्थे आउणा चाहीदा सी, इत्थे आ के ऐलान करदे वी तुहाडियां मंगां मंजूर ने सानूं ते असीं तैयार हाँ तुहाडियां मंगां मन्नण नूं, पर ओह मत्था टेक के मुड़ गए ने, इत्थे सानूं सुनेहे दई जा रहे आ। एक वारी वी प्रधानमंत्री ने इह नहीं कहा वी हाँ असीं जिहड़े कानून आ उन्हां च सोध कर लई तैयार हाँ, हेठले मिनिस्टरां तों ही इह जिहड़ियां गल्लां कहा रहे ने उह सानूं मंजूर नहीं, असीं संघर्ष नूं जिन्ना वी हो सकिआ वध तों वध लम्मा करांगे ते हर तरहां दी लड़ाई लड़ांगे। एक मैं बेनती भी करना चाहना अपने सारे वीरां नूं जिन्ने किसान वीर ने बई उह वध तों वध हरेक पिंड दे विचों जिवें 13,000-13,500 पिंड आ, एक एक ट्राली इत्थे होर आउणी चाहीदी आ भर के बंदिआं दी, हरेक परिवार दा एक एक मैंबर इत्थे आउणा चाहीदा। इस तरह नहीं आउणा चाहीदा वी मैं कार च गिआ ते हाजरी लवा के मैं वापस चलिआ, वी संडे सी कल हजारां बंदा आया ते वापस वापस नहीं, घट्टो घट हरेक जिहड़ा मैंबर आउंदा एक हफ्ता उह इत्थे जरूर रुके, क्योंकि इह जिहा संघर्ष ना तां दुनिया ते होया, पहली वार एडा संघर्ष हो रिहा, पहली वार एडा संघर्ष असीं लड़ रहे हां, ते एक बहुत वड्डी जिहड़ी साडे कौम नूं साडे नौजवानां नूं वड्डी सेध जिहड़ी मिली है संघर्ष दे विचों। साडा नौजवान नूं इह कह रहे सीगे जी इह तां उठता पंजाब हो गया, इह तां जी नशेई हो गए बच्चे इहनां दे, इह नौजवान अज्ज देखो साडे नौजवान मुंडे किवें पहरा दिंदे आ सारी सारी रात कढ के, किवें स्टेज दे आले दुआले राखियां करदे ने, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਾਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ IMA ਫਾਰਮਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਬੈਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬੈਜ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੰਡਾ ਬੈਜ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੰਡਾ ਬੈਜ ਸਕੂਟਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਵੇ, ਬੈਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਗੱਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਥ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਡੇ 11 ਲੀਡਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 27 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਆਖਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।